नमस्कार, खास पेशकश बिहार का मिजाज में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक एक करके बिहार की सभी लोकसभा सीटों का इतिहास से लेकर के आज तक का हाल बताते हैं। आज हम बात करेंगे नालंदा सीट की और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। तो सर, नालंदा सीट का क्या हाल रहने वाला है और पहले क्या कुछ रहा? अच्छा, नालंदा सीट के बारे में आपको पता है कि नालंदा सीट कोई मामूली सीट नहीं है बिहार में। बिल्कुल, नालंदा सीट मुन्ना का सीट है। अच्छा, मुन्ना मतलब नीतीश कुमार। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री। आपको पता है नीतीश कुमार को बचपन में मुन्ना के नाम से ही पुकारा जाता था। हाँ। और नीतीश कुमार का जन्म नालंदा के हरनौत के हाँ। कल्याण बिघा गांव में हुआ। हाँ। बाद में उनकी परवरिश बख्तियारपुर में हुई, क्योंकि उनके पिता वैद्य राम लखन सिंह जी बख्तियारपुर में रहने लगे थे। तो जो यह सीट है ना नालंदा, इसे आप नीतीश कुमार की सीट कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार को यह सीट आसानी से नहीं मिली है। इतिहास आप देखेंगे तो यह सीट आसानी से नहीं मिली है। अच्छा। नीतीश कुमार ने भी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ झेला है। हाँ। शुरुआती झटके तो इतने लगे हैं कि आप कह नहीं सकते। एक बार तो ऐसा लगा था नीतीश कुमार को कि राजनीति उनके बस की नहीं है। अच्छा। वे पटना में आए तो थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, पढ़ाई भी करी, लेकिन बाद में राजनीति में मन रम गया। और आपको पता है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, सुशील कुमार मोदी, नरेंद्र हाँ। सिंह, ये सभी लोग जो हैं जेपी मूवमेंट की उपज है। बिल्कुल, जेपी आंदोलन की। हाँ। तो यदि आप नीतीश कुमार के उन दिनों की याद करेंगे तो जब जेपी आंदोलन चल रहा था तो नीतीश कुमार की पहचान उस समय कोई बहुत बड़ी नहीं थी। हाँ। मैं अभी हाल में ही सुशील कुमार मोदी जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जो 1974 के आंदोलन की याद करते हैं और वे पटना के एक विश्वविद्यालय में पुलिस की छापेमारी की बात करते हैं। कहते हैं वहाँ मैं भी था, मतलब सुशील कुमार मोदी, लालू यादव भी थे, शिवानंद तिवारी भी थे, नरेंद्र सिंह भी थे, नीतीश कुमार भी थे, सबों के खिलाफ वारंट था। अच्छा। पुलिस आई, सभी लोग पकड़ लिए गए लेकिन नीतीश कुमार नहीं पकड़े गए। अच्छा। क्योंकि पुलिस वाले नीतीश कुमार को पहचानते ही नहीं थे। अच्छा। तो नीतीश कुमार की जेपी मूवमेंट में नीतीश कुमार इतने बड़े नेता बनकर नहीं उभरे थे जितने बड़े नेता लालू यादव बन चुके थे। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार के मन की हसरत बड़ी थी, इच्छा शक्ति बड़ी थी, संकल्प बड़ा था और राजनैतिक रूप से अधिक ईमानदार भी नीतीश कुमार थे। अच्छा। लेकिन शुरुआती झटके, अब आप यदि हम 1977 जिसे हम कहते हैं जेपी मूवमेंट के बाद का चुनाव, इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा था। हाँ। तो पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में आपने देखा है 1977 में कि 1977 में लालू यादव चुनाव जीत जाते हैं। हाँ। छपरा से। हाँ। और सांसद बन जाते हैं। नीतीश कुमार अपने घरेलू विधानसभा क्षेत्र हरनौत से चुनाव लड़ते हैं। हाँ। और चुनाव हार जाते हैं। अच्छा। जबकि उस समय बिल्कुल इंदिरा हटाओ देश बचाओ की हवा थी, कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे थे। हाँ। लेकिन उस हवा में भी नीतीश कुमार नहीं चुनाव जीते। अच्छा। और हरनौत में उनको हार मिली। हाँ। और हराया किसने? निर्दलीय प्रत्याशी भोला प्रसाद सिंह ने। अच्छा। जिनका देहांत पिछले साल ही हुआ है। हाँ, हाँ। तो भोला प्रसाद सिंह उस समय बड़े कुर्मियों के बड़े नेता थे, हाथ में हंटर लेकर चला करते थे। अच्छा। और हरनौत में तब नारा लगता था, बम चले या गोला जीतेगा बम भोला। अच्छा। बम चले या गोला जीतेगा बम भोला। हाँ। तो भोला प्रसाद सिंह के हाथों चुनाव नीतीश कुमार हार गए। अच्छा। 1977 में। तो नीतीश कुमार को निराशा हाथ लगी। इसी बीच कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो पटना में एक न्यू डाकमंगला रोड में भारत कॉफी हाउस हुआ करता था। अच्छा। और उस समय राजनीतिक लोगों का सबसे अधिक जमावड़ा जो संघर्ष कर रहे थे होते थे, मंत्री भी चले आते थे और विचार मुबाइसे का बड़ा केंद्र था, पत्रकार जुटते थे। तो नीतीश कुमार निराश जरूर थे लेकिन नीतीश कुमार में एक इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें राज करना है आगे चलकर। अच्छा। तो नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जो सरकार चल रही थी उससे भी बहुत खुश नहीं थे, जो रीति नीति थी। अच्छा। पत्रकार बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर, इसके बारे में उन्होंने बहुत लंबा लिखा है कहीं। हाँ।
कि उस दौरान जो उनकी नीतीश कुमार से बातचीत होती थी। लेकिन अब झटका देखिए, 1980 में फिर से विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव भी होता है। अब देश में दूसरा बिहार है, इंदिरा लाओ देश बचाओ। इस बिहार का परिणाम क्या होता है कि लालू यादव छपरा में लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। अच्छा, हाँ। 1977 में जीते, हाँ। और 1980 में सत्यदेव सिंह के हाथों हार गए। लेकिन बाद में वो सोनपुर से विधायक बन जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को 1980 में भी सफलता नहीं मिलती है। हरनौत में वे फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्हें फिर से एक निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह चुनाव हरा देते हैं। अच्छा, 1977 और 1980 दोनों में जो हरनौत में नीतीश कुमार को हार मिली, हाँ। वह 5,000 मतों के अंतर से हार मिली थी। अच्छा, तो नीतीश कुमार को फिर से झटका लगता है, क्या करें क्या नहीं करें। नीतीश कुमार का इस बीच बख्तियारपुर से पटना आना जाना होता है, ट्रेन से आते हैं, पटना में फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में, चूंकि इनके परिवार वाले पटना जंक्शन में काम करते थे इसलिए इनको फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में एंट्री मिल जाती थी। तो भारत कॉफी हाउस और फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, ये सब उनका राजनीतिक ठिकाना होता है। लेकिन नीतीश कुमार हिम्मत नहीं हारते हैं, कभी कभी निराशा आती है मन में, लेकिन लगता है कि नहीं सफलता मिलेगी और कुछ लोग साथ होते हैं। तो 1980 में वो चुनाव हार गए। अब फिर से नीतीश कुमार को सफलता, नीतीश कुमार ने सफलता का स्वाद चखा 1985 में। अच्छा, 1985 में फिर से विधानसभा चुनाव, हाँ। हुए और इस बार नीतीश कुमार हरनौत से चुनाव जीत गए, विधायक बने, हाँ। 1985 में उन्होंने ब्रजनंदन प्रसाद यादव को हरनौत में हराया। अच्छा, और पिछले दो चुनाव में जो वो 5,000 मतों से हार रहे थे, इस बार काफी अधिक मतों से चुनाव जीते जिससे उनका मनोबल बढ़ा। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार जो राज करने, बिहार को नेतृत्व देने की जो इच्छा शक्ति उनके भीतर थी, तो वो काफी आगे जाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार 1985 में तो विधायक बनते हैं, 1989 में वे बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से, अच्छा, सांसद बन जाते हैं। अच्छा, तब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही हरनौत विधानसभा हुआ करता था। अच्छा, और इसके बाद नीतीश कुमार लगातार बाढ़ से चुनाव जीतते रहते हैं। 1989 में चुनाव जीते, 1991 में चुनाव जीते, 1996 में चुनाव जीते, 1998 में चुनाव जीते, 1999 में चुनाव जीते, लेकिन 2004 में संकट फिर से फंस जाता है। अच्छा, 2004 में लालू यादव से नीतीश कुमार का सीधा पंगा था, हाँ। दोनों एक दूसरे को मिटाना चाहते थे, हाँ। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के ही पुराने सहयोगी रहे लालू यादव, मतलब सब लोग जेपी मूवमेंट के ही चेहरे थे, विजय कृष्ण। बाहर में विजय कृष्ण नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, हरनौत उसी विधान लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदेशा लग जाता है कि बाहर की लड़ाई बड़ी कठिन है। अच्छा, सो इस दफे 2004 में वे बाहर के साथ साथ नालंदा से भी चुनाव लड़ते हैं। तो जो मैं पहले कह रहा था कि आप नालंदा की पहचान मुन्ना के नालंदा के रूप में कीजिए, नीतीश कुमार के नालंदा के रूप में कीजिए, बाहर में नीतीश कुमार चुनाव हार जाते हैं। अच्छा, जो उनको अंदेशा पहले से था कि बाहर में स्थिति गड़बड़ है, लेकिन वे नालंदा चुनाव जीत जाते हैं, हाँ। तो इस तरीके से नालंदा से पहली बार सांसद 2004 में नीतीश कुमार बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि नालंदा की राजनीति में या नालंदा के पार्लियामेंट में चुनाव में उनका प्रभाव 2004 में ही दिखता है। अच्छा, उनका प्रभाव तो 1996 में ही दिख गया था, हाँ। 1996 के पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, बीच में नालंदा में कम्युनिस्ट पार्टी भी घुस आई थी। अच्छा, और विजय कुमार यादव तीन बार सांसद रहे। 1991 में भी विजय कुमार यादव कम्युनिस्ट पार्टी के ही सांसद थे, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के। तो नीतीश कुमार जब आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं बाढ़ के साथ हमें नालंदा भी, तो 1996 में जो उनके बड़े वरिष्ठ नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, हाँ। वे जॉर्ज फर्नांडिस को नालंदा में चुनाव लड़ने के लिए बुलाते हैं। अच्छा,
और जॉर्ज फर्नांडिस नालंदा भी इसलिए आते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की ताकत है और नीतीश कुमार का चेहरा है। तो 1996 में जॉर्ज फर्नांडिस नालंदा से चुनाव जीतते हैं और फिर समझिए जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव नहीं जीतते हैं, नीतीश कुमार ही चुनाव जीतते हैं। अच्छा। उसके बाद 98 और 99 में भी जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2004 में जब चुनाव कठिन हो गया बाहर का, तो जॉर्ज फर्नांडिस नालंदा से नहीं लड़ते हैं। अच्छा। तो नीतीश कुमार फिर से नालंदा से लड़ते हैं और बाहर से दोनों जगह से लड़ते हैं, बाहर हुए हार जाते हैं और नालंदा जीत जाते हैं। तो ये 2004 का सीन रहा। 2004 के बाद 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी। नीतीश कुमार का नारा था जंगल राज मिटाओ। अच्छा। ठीक। नीतीश कुमार को 2005 में भाजपा के साथ बड़ी सफलता मिलती है बिहार विधानसभा के चुनाव में और वे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2005 में 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने नालंदा लोकसभा क्षेत्र से भी इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े हुए, बिहार विधान परिषद से निर्वाचित होते रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री तब से अब तक बने हैं। जब उन्होंने 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दिया, तो रामस्वरूप प्रसाद को उन्होंने उपचुनाव में नालंदा का चुनाव लड़वाया और उनको जीत मिली। तो इसके बाद आया 2009 का चुनाव। तो 2009 का चुनाव, 2009 के चुनाव में एनडीए गठबंधन था ही, नीतीश कुमार नालंदा को बिल्कुल चौंकाने वाला चेहरा देते हैं। अच्छा। जदयू के प्रत्याशी के रूप में। हाँ। और वो चेहरा होते हैं कौशलेंद्र कुमार। अच्छा। मतलब कोई आप, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जो है ना, वो सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। कब क्या निर्णय ले लेंगे, किसके बारे में ले लेंगे, सोचे तो पहले से रहते हैं। हाँ। लेकिन पता आखिरी में चलता है। बिल्कुल। जब कौशलेंद्र कुमार को 2009 में टिकट देने का फैसला किया गया नालंदा से, तब कौशलेंद्र कुमार को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें नीतीश कुमार सांसद का चुनाव लड़वा सकते हैं। अच्छा। दरअसल कौशलेंद्र कुमार जदयू के कार्यकर्ता थे, नीतीश कुमार का चुनाव देखा करते थे। तो अचानक से उनके पास संदेशा जाता है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अच्छा। कौशलेंद्र कुमार को लगता है कोई सपना तो नहीं है, लेकिन सपना नहीं हकीकत। तो 2009 में कौशलेंद्र कुमार को वहां जदयू से लड़ा जाता है और ये नीतीश कुमार की सीट है। कौशलेंद्र कुमार चुनाव जीतते हैं। कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ 2009 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी, अच्छा, सतीश कुमार को, सतीश कुमार भी कुर्मियों के नेता हैं। हाँ। आपको पता है कि जो नालंदा का जो जातीय बुनावट है, जो कास्ट इक्वेशन है, उसमें कुर्मी सबसे अधिक है। अच्छा। कुर्मियों में भी तीन उपजातियां हैं मुख्य रूप से, ऐसे तो कई हैं, अबधिया, कोचैसा, घमेला। तो लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर ये आपस में भले जितना झगड़ लें, लेकिन चुनाव के अंत अंत आते ये अवधिया, कुछ ऐसा घमेला भी नीतीश कुमार के नाम पर एक हो जाते हैं। तो सतीश कुमार जो कभी पहले बड़े चेहरे थे कुर्मी पॉलिटिक्स के, नीतीश कुमार के आगे टिक नहीं पाते। तो नीतीश कुमार के जो नुमाइंदे हैं 2009 के चुनाव में कौशलेंद्र कुमार, उन्हें चुनाव हराते हैं और कोई मामूली अंतर से नहीं, 152,000 वोट के अंतर से। 2009 में। तो ये नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला उम्मीदवार दिया। लेकिन 2014 में परिस्थितियां बदल गई। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आ गए। एनडीए गठबंधन से जब बाहर आए तो इन्हें चुनाव अकेले लड़ना था। राजद और कांग्रेस साथ में लड़ रही थी, भाजपा अकेले लड़ रही थी और पूरे देश में मोदी महालहर था। अब यदि नालंदा में आप उम्मीदवार देखें जो नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ते रहे हैं या लड़ते हैं, वो कोई परमानेंट उम्मीदवार नहीं रहे हैं, रेस वाले। अच्छा। 2004 के चुनाव में जब नीतीश कुमार चुनाव जीते थे, तब भी यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी ने ही लड़ी थी। अच्छा। और डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, अच्छा, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। नीतीश कुमार ने उन्हें 102,000 वोटों से चुनाव हराया था। तो आप यह देखेंगे 2004 में, 2009 में और फिर 2014 में लोजपा ही नालंदा से चुनाव लड़ती रही।
तो 2014 के चुनाव की जो मैं बात कर रहा था, 2014 में कौशलेंद्र कुमार फिर से जदयू के प्रत्याशी बनाए गए। बीच में कई बातें हो रही थी कि प्रत्याशी बदला जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मोदी महाधार की चिंता किए बगैर नीतीश कुमार ने फिर से कौशलेंद्र कुमार पर ही भरोसा किया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने बाहर से सत्यानंद शर्मा, अति पिछड़ी जाति के नेता हैं, उन्हें लाकर यहाँ नालंदा में उम्मीदवार बनाया। और कांग्रेस और राजद के बीच जो सीटों का तालमेल हुआ, राजद ने यह सीट जानती थी कि नीतीश कुमार का सीट है, लड़ाई टफ है, हाँ। तो राजद ने यह सीट कांग्रेस को दे दी। अच्छा। और उम्मीदवार सहित दिया। हाँ। उम्मीदवार सहित इसलिए मैं कह रहा हूं कि आशीष रंजन सिन्हा टिकट लेने के पहले तक राजद में ही थे। अच्छा। लेकिन सीट आशीष रंजन सिन्हा बिहार के रिटायर्ड DGP रह चुके हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, आशीष रंजन सिन्हा कांग्रेस में गए और कांग्रेस से 2014 का चुनाव नालंदा से लड़ा। पर मोदी महालहर के कारण हुआ ये कि 2014 में चूंकि लोजपा और भाजपा साथ में थी, रामविलास पासवान और भाजपा साथ में और मोदी महालहर, तो 2014 का चुनाव जो है ना नालंदा में बहुत बड़े मुकाबले वाला चुनाव हो गया, बहुत बड़ा मुकाबला। मतलब नीतीश कुमार भी नहीं समझ सकते थे कि इतना बड़ा मुकाबला नालंदा में संभव है। अच्छा। मुझे याद है कि जिस दिन वोटों की गिनती चल रही थी, तारीख शायद 14 मई या 16 मई रही होगी 2014 की, मुख्यमंत्री निवास में भी धुकधुकी भरी हुई थी। अच्छा। क्योंकि नालंदा की सीट पर कभी जदयू आगे जा रहा था और कभी लोजपा आगे जा रहा था। मतलब कभी जदयू पीछे हो जा रहा था, कभी लोजपा आगे हो जा रही थी, कभी लोजपा पीछे हो जा रहा था और कभी जदयू आगे हो रहा था। आखिरी में बहुत कड़े मुकाबले में यह सीट नीतीश कुमार के हाथ लगी, मतलब उनके प्रत्याशी जीते, कौशलेंद्र कुमार। लेकिन जानते हैं अंतर कितना का हुआ? मात्र 9,600 वोटों का। अच्छा। अब आप समझिए कि 2009 में जो कौशलेंद्र कुमार 1,52,000 वोटों से चुनाव जीते, वही कौशलेंद्र कुमार 2014 में मात्र 9,600 मतों से चुनाव जीते। रामविलास पासवान को लगता था कि यदि नालंदा में थोड़ी मेहनत कर लेते तो यह चुनाव भी हम जीत सकते थे, क्योंकि जब 2014 के चुनाव में लोजपा को NDA गठबंधन में 7 सीटें मिली थी और 6 पर वह जीत गई थी, अकेले नालंदा सीट थी जहां हार गई थी। अब 2018 और 2019 की स्थितियों को देखें। 2018 में रामविलास पासवान, मतलब लोजपा, भाजपा और जदयू, अब सभी NDA गठबंधन में हैं। और उधर दूसरी ओर जो महागठबंधन है, वहां कांग्रेस, राजद और हम। रालोसपा आगे क्या करेगी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, अभी देखा जाना है। क्योंकि रोज उनके बारे में नई नई बातें हो जाती है। तो 2014 और 2019 के चुनाव की स्थितियां भिन्न है। और अब यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार का नालंदा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ चुनाव नीतीश कुमार बनाम अन्य का होता है। अच्छा। ठीक है। नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट भी सबसे अधिक नालंदा में किया है। कहने वाले लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार का बस चले तो वे बिहार की राजधानी नालंदा कर दें। बिल्कुल। तो और आप यदि नालंदा में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी क्वालिटी भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे जिलों से क्वालिटी गुणवत्ता में ज्यादा अच्छी है नालंदा, क्योंकि वहाँ काम करने वाले ठेकेदार जानते हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहाँ कुछ गड़बड़ी की तो तुरंत निपट जाएंगे और अधिकारियों को भी पता है। तो 2014 के चुनाव की जब समीक्षा करेंगे और तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, 2019 की, तो 2014 के रिजल्ट को भी देखेंगे। हाँ। कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि कौशलेंद्र कुमार को इतना कड़ा मुकाबला करना पड़ा। और इसी कारण से यह चर्चा होती है क्या नीतीश कुमार 2019 में उम्मीदवार बदल देंगे, क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है नीतीश कुमार के खिलाफ, नहीं कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ। तो ये चर्चा जब शुरू होती है तो कई लोग बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का नाम लेते हैं कि जदयू के नए प्रत्याशी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन श्रवण कुमार का नाम जो है ना, हमेशा जब भी चुनाव होता है उनका नाम चला आता है। हाँ।
2014 में भी आया था लेकिन कौशलेंद्र कुमार को ही टिकट मिला। 2019 में भी चर्चा अभी से है कि श्रवण कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन कौशलेंद्र कुमार कहीं से निराश नहीं है। हाँ। वे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार है, मैंने आपको पहले कहा कि सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं, अंत में क्या कर देंगे, कौन सा नया चेहरा ला देंगे, तो ये किसी को पता नहीं है। हाँ। तो एक बात तो तय है कि एनडीए में नालंदा के टिकट को लेकर या नालंदा की सीट को लेकर कोई मारामारी नहीं है। हाँ। जो वहाँ दल मौजूद है, रामविलास पासवान ने भी मान लिया, अभी दो दिन पहले ही पशुपति कुमार पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं, हाँ, उनका इंटरव्यू लाइव सिटीज पर ही चल रहा था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नालंदा सीट तो हम छोड़ ही देंगे। हाँ। लेकिन उसके बदले में हमें दूसरी सीट चाहिए। हाँ। तो नालंदा सीट क्योंकि नीतीश कुमार का सीट है, इस पर दूसरा दावा कर भी कौन सकता है। हाँ। तो ये तो तय है कि एनडीए का उम्मीदवार जो नालंदा में होगा वह और किसी की मर्जी से नहीं, नीतीश कुमार की मर्जी से ही तय होगा। इसमें कोई दूसरे लोग सलाह देने वाले नहीं है और किसी दूसरे के सलाह की जरूरत भी नीतीश कुमार को नहीं है, क्योंकि नालंदा नीतीश कुमार की सीट है। बिल्कुल, जैसे वो चाहें वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ाएंगे, खुद तो लड़ना नहीं है। अब रही महागठबंधन की बात, महागठबंधन में कौन लड़ेगा इस सीट को, क्योंकि नालंदा का मुकाबला आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। 2014 में भी लालू यादव के पास मजबूती से लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं था, तभी उन्होंने यह सीट कांग्रेस के जिम्मे फेंक दी थी। अच्छा। और उम्मीदवार भी दे दिया था आशीष रंजन सिन्हा को। तो अब कई बातें हैं कि नीतीश कुमार किसको उम्मीदवार, लालू यादव किसको उम्मीदवार बनाएंगे, क्या यह सीट फिर से कांग्रेस के जिम्मे जाएगी, कांग्रेस इस सीट को लेती है कि नहीं लेती है, जानती है कि यहाँ की लड़ाई कितनी तगड़ी होनी है। कांग्रेस में अभी कोई उम्मीदवार दिखता नहीं है नालंदा लड़ने को। वैसे नालंदा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार, उनकी चर्चा नालंदा में लोग करते हैं। हाँ। लेकिन यह भी सही है कि उनके रिश्ते जदयू के नेताओं से भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और वे इतने गंभीर कहीं से नहीं दिखते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के बाबत तैयार हों। अच्छा। ठीक इसी तरीके से राजद में भी कोई उम्मीदवार नहीं दिखता है। हाँ। कभी आप बिहार शरीफ में, आज मैं अपने सहयोगी संतोष कुमार से बात कर रहा था तो वो किसी सुनील यादव का नाम ले रहे थे कि वो सोचते हैं कि चुनाव लड़ें, लेकिन लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे और लालू यादव भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ। यह देखा जाना होगा। एक और जो बात चल रही है नालंदा को लेकर, यदि रालोसपा, अच्छा, मतलब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में आ जाते हैं तो नीतीश कुमार चाहेंगे यदि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के बराबर होना है तो वह रालोसपा सीट नालंदा प्राप्त करे। हाँ। और वहाँ चुनाव लड़ाए। हाँ। 2004 में जब नीतीश कुमार ने कुमार पुष्पंजय को हराया था, कुमार पुष्पंजय भी अब चुनाव की राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं है, वो अपना उनके ढेर सारे कारोबार हैं स्कूल के, वो उसमें लगे होते हैं। अच्छा। तो उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं तो उनके पास क्या उम्मीदवार होता है। 2014 में सच कहें तो वहाँ से अरुण कुमार जिन्होंने बाद में जहानाबाद लड़ा, उनके अरुण कुमार की प्रायोरिटी पहले नवादा थी। हाँ। बाद में नालंदा थी। अच्छा। दोनों सीटें नहीं मिली थी तो वो जहानाबाद गए थे। तो ये जो सूरत है ना कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। हाँ। यदि उपेंद्र कुशवाहा को सीट महागठबंधन में चला भी जाता है तो वे किसे उतारेंगे। अभी कुछ देर पहले मैं आपको सतीश कुमार की बात कर रहा था तो सतीश कुमार जलोपा नाम की एक पार्टी चलाते हैं, नई पार्टी बनाई है, पुराने नेता हैं, वे फिर से एक्टिव रहते हैं। लेकिन नालंदा का चुनाव, हाँ, उम्मीदवार कोई भी हो महागठबंधन का, लड़ना नीतीश कुमार के नाम से है, मुन्ना के नाम से है। बिल्कुल ठीक है। तो नालंदा में जो चुनाव है ना, वह वहाँ कोई मोदी महालहर का इफेक्ट तो दिखा पिछले बार। हाँ। लेकिन आप ये कहें कि वहाँ चुनाव जो है ना नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाता है। बिल्कुल। और जब इस बार मोदी भी नीतीश कुमार के साथ ही हैं तो वहाँ कोई दूसरा महालहर तो नहीं दिखता है। अच्छा। लालू यादव कितना समेट पाएंगे। हाँ। और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में आने के बाद कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ कुर्मी जाति के बाद अति पिछड़ी जातियों की संख्या भी काफ़ी है और उपेंद्र कुशवाहा कोई भी वोटों कुशवाहा वोटों की बूते ही राजनीति करना चाह रहे हैं। तो नालंदा को लेकर यह स्थिति स्पष्ट है कि नालंदा नीतीश कुमार का है।
नालंदा में जिसे लड़ना है नीतीश कुमार से लड़ना होगा, नालंदा की जीत हार नीतीश कुमार की जीत हार है, तो नालंदा नीतीश कुमार उम्मीदवार तय करेंगे। महागठबंधन का उम्मीदवार अभी तय नहीं है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। पिछले 2014 में भी लोक जनशक्ति पार्टी बाहर से उम्मीदवार लेकर आई थी, तो फिर क्या नालंदा में कोई बाहर से ही उम्मीदवार इम्पोर्ट होता है, ये देखना होगा। तो नालंदा की सूरत तो आज इतनी ही है, आगे और भी जो डेवलपमेंट होंगे हम आपको बताएंगे। तो आज नालंदा के लिए इतना ही। तो आज नालंदा की बात की हमने, नीतीश कुमार की सीट है और आगे प्रतिष्ठा दांव पर होगी। बहरहाल बिहार का मिजाज के बाकी एपिसोड आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, लिंक उपलब्ध है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार।